News24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बेरमो झारखंड मुक्ति मोर्चा फुसरो नगर परिषद की ओर से रविवार को करगली गेट स्थित गांधी चौक से फुसरो बाजार होते हुए विस्थापित रोजगार महारैली निकालकर अमलो करबला मैदान में जनसभा की गई। यहां उपस्थित जनसमूह को झामुमो के जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि विस्थापितों व बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग करते हुए सीसीएल प्रबंधन को आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 12 तारीख तक सीसीएल प्रबंधन नहीं सुनती तो 13 तारीख से चक्का जाम आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि विस्थापितों व स्थानीय रोजगारों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोमिया के पूर्व योगेंद्र महतो ने कहा कि झामुमी नेताओं को पता है कि अधिकार कैसे लिया जाता है। उन्होंने कहा कि सीसीएल प्रबंधन स्थानीय 75% विस्थापितों को बिना शर्त रोजगार दे। उन्होंने कहा कि विनोद बिहारी महतो के सपनों को झामुमो जूरो जरूर पूरा करेगा। एकजुट आंदोलन करें तभी सफलता मिलेगी। सीसीएल प्रबंधन विस्थापितों और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दे। जिला सचिव जय नारायण महतो ने कहा कि विस्थापितों एवं स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा। ऐसा नहीं किया तो सभी झारखंडी तीर कमान लेकर लड़ाई लड़ने को तैयार होंगे। स्पोर्ट्स लिंक के जिलाध्यक्ष भोलू खान और वरीय नेता काशीनाथ केवट ने कहा कि जल जंगल व जमीन स्थानीय लोगों की है, प्रबंधन की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। फुसरो नगर अध्यक्ष मदन महतो सचिव दीपक महतो ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन को विस्थापितों को हर हाल में अधिकार देना होगा। इसके अलावा झारखंड सरकार की घोषणा के अनुसार सीसीएल परियोजनाओं में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों को भी 75% स्थानीय को रोजगार देना होगा। कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन कंपनियों को यहां काम करने का भी अधिकार नहीं है। कोयला उत्पादन के लिए जमीन देने वाले विस्थापित कोई भीख नहीं मांग रहे बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। सभा की अध्यक्षता करते हुए झामुमो फुसरो नगर अध्यक्ष मदन महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चाचा भतीजा का समय अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक विस्थापितों का हक नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग यहां से एक छटाक भी कोयला नहीं जाने देंगे बाहर। हां का संचालन अशोक मुर्मू ने किया। सभा को संबोधित करते हुए जिला संगठन मंत्री बिगन सोनी ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन द्वारा विस्थापितों की उपेक्षा झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी। मौके पर काशीनाथ केवट, मंटू यादव, समसूल हक, निमाई सिंह चौहान आदि सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। आज के खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।